पबन ब्रिज बस अभी आने वाला है, कुछ ही सेकंडों में पबन ब्रिज आप देख सकते हैं, अभी आ जाएगा पबन ब्रिज। और इस पल का हमें इंतज़ार रहेगा पबन ब्रिज का, और ये आ चुका है पबन ब्रिज, हम एंट्री कर चुके हैं। ये जो ब्रिज है, जिस ट्रेन पे अभी हम जा रहे हैं, ये हमने मदुरई से लिया था ट्रेन, मदुरई से रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन इस पुल से पहले आपका जो इंडिया का मेन लैंड है वो मंडापम पड़ेगा। मंडापम से आप जो है ना पबन ब्रिज पार करते हुए आप रामेश्वरम जाओगे, और रामेश्वरम जो है ना बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, इस पुल का निर्माण ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट। हेलो, अद्भुत, अतुलनीय। फिशरमैन की नाव आ रही है इस तरफ और पुल के नीचे से गुजरेगी, पुल के नीचे से इस पार से उस पार जाएगी। हाय, हेलो, बाय बाय। उधर हटो ना, थोड़ा उधर हटो ना। ১৯৬৪ के साइक्लोन में ये पुल जो है ना पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और आपको एक फैक्टर बता दूं कि ये जो पुल है, ये जो आप ट्रेन जा रही है, ये पहले धनुषकोडी तक जाता था, लेकिन इस 1964 के युद्ध में, 1964 की जो वो थी ना साइक्लोन की वजह से धनुषकोड़ी जो है ना तबाह हो गया और अभी मुदिया नगर बन गया। और लेकिन इसी वजह से ये ट्रेन सिर्फ अब रामेश्वरम तक जाती है, रामेश्वरम जो कि एक आइलैंड है, और ये रामेश्वरम एक आइलैंड है और ये इसी से जो है ना कनेक्ट करता है, इसी पुल से जो है ना रामेश्वरम इंडिया के मेन लैंड से रामेश्वरम को कनेक्ट करता है। अगर आप दिल्ली या फिर भारत के किसी भी शहर से इसी ब्रिज के ऊपर से ट्रेन से गुजरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मदुरई स्टेशन उतरना पड़ेगा। मदुरई से आप जो है ना ट्रेन लेके रामेश्वरम जा सकते हैं, या फिर कुछ ट्रेनें जो है ना कुछ दिल्ली को छोड़कर भारत के अन्य शहरों से डायरेक्ट रामेश्वरम भी जाती है, जो इसी पुल के ऊपर से गुजरेगी। अब मैं आ गया हूँ ब्रिज की इस तरफ, जहाँ से आप ये दूसरा नज़ारा देख सकते हैं। ये जो ब्रिज है ऊपर, इसके ऊपर से जो है ना अब गाड़ी बस वगैरह जाती है, रामेश्वर को कनेक्ट करती है। ये भी समंदर के ऊपर से ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज से आप अगर आप ट्रेन से नहीं जाना चाहते तो इधर से, जैसे हम लोग ट्रेन से गए हैं और वापसी के समय जो है ना हम इसी पुल के ऊपर से आएंगे। अभी हम ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन वापसी के समय बस वगैरह या फिर ऑटो वगैरह उसी ट्रेन के ऊपर से आएंगे, ब्रिज के ऊपर से आएंगे। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? चलो ठीक है, इधर देखते हैं, आगे की तरफ देखो। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आया। तो आपको क्या हुआ? आपको मुझे बहुत डर लग रहा है। व्हाट एक्साइटमेंट। व्हाट हैपेंड? अभी थोड़ी देर में हम रामेश्वरम के मेन आइलैंड में पहुंचने वाले हैं। मैं
रामेश्वरम जो है चार धाम का एक धाम है। जैसे कि हमारे भारत में चार धाम है, उत्तर में है बद्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वरम और पूर्व में है पुरी उड़ीसा का, और आपका जो है ना पश्चिम में है गुजरात का द्वारका। आवाज़ नहीं है, बैग मत दीजिएगा, बैग मत दीजिएगा, बैग लेगा नहीं, मैं आऊँगा, बैग लेगा नहीं। अरे जब